रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेब टीवी LCWU की तरफ से डॉक्टर अंजुम ज़िया इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आजकल COVID-19 की वजह से हम एक मुश्किल और अनयूजुअल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं और इनकी इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर हफ्सातुल उस्मा, जो कि हमारी मेडिकल ऑफिसर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से, उनको इनवाइट किया है और उनसे हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको इतना इफेक्टिव पोर्टल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करने पे मुबारकबाद देती हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये हमारे ना सिर्फ फैकल्टी, हमारी स्टूडेंट्स, बल्कि हमारे जितने भी वेब टीवी के व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव और एक बहुत अच्छा इफेक्टिव सेशन साबित होगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा। आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि COVID-19 इलनेस है क्या और इसका जो वायरस है वो किस तरह फैलता है? जी बेसिकली ये एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि कोरोना वायरस फैमिली के एक वायरस जिसका नाम SARS-CoV-2 है के जरिए फैलता है। ये कोरोना वायरसेस बेसिकली ज़ूनोटिक वायरसेस हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन समहाउ अगर एक्सीडेंटली किसी तरह ये ह्यूमन बीइंग्स को एक्सपोज हो और इन्फेक्शन कॉज कर दें करते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को। इस SARS-CoV-2 भी जो कि दिसंबर 2019 में चाइना से स्टार्ट हुआ था, अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। ये फैलता कैसे है? बेसिकली जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके नेजोफेरिंक्स में ये मौजूद होता है, जो उनकी ओरल और नेजल सेक्रीशंस हैं उसमें रिटेन करता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल छींकता या खांसता है तो ये इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स उसके नाक और मुंह से निकल के इर्द गिर्द की फजा में बिखर जाते हैं। हाई वेलोसिटी ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है कि ये एवरेज 3 to 6 feet तक क्रॉस करते हैं। कुछ देर के लिए ये पार्टिकल्स एयर में सस्टेन करते हैं और अल्टीमेटली फिर जितनी भी उस विसिनिटी में सर्फेसेस होती हैं उस पे सेटल डाउन हो जाते हैं। जब भी कोई हेल्दी इंडिविजुअल डायरेक्ट इनको इनहेल कर ले तो इन्फेक्शन कैरी कर ले, इनडायरेक्टली अगर उसके हाथ, कपड़े या उसकी दूसरी बिलोंगिंग्स किसी भी सॉइल्ड चीज के साथ कॉन्टेक्ट में आती हैं तो कंटेमिनेट हो जाती हैं, और जब ये कंटेमिनेटेड हैंड्स अपने मुंह, नाक या आंखों पे लगाता है तो ये वायरस वहां पे इम्पैक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली बॉडी में करता है। तो इस तरह ये इन्फेक्शन आप कैच करते हैं, किसी से हैंड शेक करें, उसके कंटेमिनेटेड हैंड से, किसिंग से, हगिंग से, ये वायरस अल्टीमेटली आपकी बॉडी में और फिर जाके जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें खास किस्म के सेल्स को टारगेट करता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस अगर ये हमारे पे अटैक कर देता है तो उस वक्त इसकी अलामत क्या होती हैं और जब ये अलामत जाहिर होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? एक वायरल इलनेस है, वायरल इलनेस में कोई खास अलामत नहीं है। जब आप SARS-CoV-2 की अगर बात करें, केसेस ऐसे हैं जो या तो कोई अलामत शो नहीं करते या उनमें बहुत माइल्ड सी मिक्स्ड अलामत होती हैं, जैसे नजला हो गया, सर में दर्द है, खांसी हो जाती है, पट्ठों में थकावट, जिस्म में कमजोरी आ जाती है, सूंघने चखने की सलाहियत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर कुछ मॉडरेट केसेस की बात कर लें तो उनमें हाई ग्रेड फीवर आ जाता है कफ के साथ, जो कि यूजुअली किसी भी कफ सप्रेसेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। और सीवियर केसेस की जहां पे बात कर लें तो वहां पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ जाती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन अक्सर 80% केसेस में बहुत माइल्ड अलामत रहती हैं। बाकी जो 15% केसेस हैं, ये जो अलामतें हैं ये इस चीज पे भी डिपेंड करती हैं कि आपने कितना वायरल लोड इनहेल किया है, कितनी मिकदार वायरस की आपकी बॉडी के अंदर गई है, इम्यून कितना स्ट्रांग है। नंबर 3 कि आपने जो आपको कोई और साथ सिस्टेमिक डिजीज तो नहीं, कोई हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये आपकी डायबिटीज आ जाती है, कैंसर आ जाते हैं या कोई और इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज आ जाती है, तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा ये क्योंकि वायरस अब दुनिया में तकरीबन पिछले 5 से 6 महीने से मौजूद है तो ये बहुत सी म्यूटेशन आ चुकी हैं,
इसकी कुछ फॉर्म्स बहुत अग्रेसिव हैं और कुछ फॉर्म्स जो हैं वो इतनी अग्रेसिव नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म से आपका एक्सपोजर हुआ है। इसके अलावा लेटेस्ट जब जैसे कहा जाता था कि बच्चे यूजली इसको स्पेयर कर रहे हैं इस इन्फेक्शन को, लेकिन अब रिसेंटली ये पता चला है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अलावा जीआईटी ज्यादा प्रेजेंट कर रही है। बच्चों में जो आपका 10 से 5 से 20 साल तक का ग्रुप है उसमें बुखार, पेट का पेट खराब होना और इसके अलावा शदीद पेट में दर्द के साथ और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जिसमें आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख हो जाती हैं, जुबान सुर्ख हो जाती है, इन साइंस एंड सिम्टम्स के साथ भी ये प्रेजेंट कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपका, जाहिर है कि ये अलामत तो नजर आ रही है, लेकिन इसकी तशखीस कैसे की जाती है? जी, इसकी तशखीस के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं, उसके बाद पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसके में आर जो आपका वायरस है उसका आरएनए स्ट्रैंड, जो पीसीआर है ये बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है ऑफ कोविड 19। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आपके पास फॉल्स नेगेटिव पीसीआर आ जाता है, जैसे बहुत अर्ली फेज ऑफ डिजीज हो या पेशेंट रिकवर कर रहा हो या आपकी जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो आपने प्रॉपरली अप्लाई की, तो इन केसेस में आपका पीसीआर फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। इसके अलावा जब वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इनिशियली आईजी एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि बाद में रिप्लेस हो जाती हैं आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज से। ब्लड में इन एंटीबॉडीज की मौजूदगी भी इस वायरस की निशानदेही करती है। लेटेस्ट कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें पीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद मरीज में ऐसी अलामतें पाई जाती हैं जो कि कोविड 19 के साथ टिपिकल अलामतें हैं। इन केसेस में आपको चाहिए कि पेशेंट को अगर पीसीआर नेगेटिव आने के बावजूद उसकी तबीयत नहीं संभल रही तो आप इसको नॉन सीरियस ना लें, बल्कि किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि आपका सीटी चेस्ट करे, क्योंकि कोविड 19 चाहे किसी भी अलामतों के साथ आए ये चेस्ट में कुछ खास किस्म के आपके जो लंग्स हैं उसमें कुछ खास किस्म के इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाता है जो सिर्फ सीटी स्कैन से ही डिपिक्ट किए जा सकते हैं। सो लेवल ऑफ इन्फेक्शन के अकॉर्डिंगली आप इसकी टेस्टिंग टेक्निक्स को मजीद एडवांस करते जा रहे हैं। बेसिकली पीसीआर जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हमें इस पे भी गाइड कर दीजिए कि अगर हमारी जो है वो डिजीज पोस्ट तशीस भी हो गई है तो इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हमारी रहनुमाई कीजिए, और खासकर उस वक्त जबकि इसकी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। जी, ट्रीटमेंट इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, इसकी किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। माइल्ड केसेस में आप सिंपल मेडिसन जैसे बुखार के लिए आपने पैरासिटामोल ले ली, एलर्जीज के एंटी एलर्जीज इस्तेमाल कर ली, कफ सप्रेसेंट इस्तेमाल कर लिए, हॉट ड्रिंक्स ले लिए, लेकिन और फिर जो जो आपकी डिजीज मजीद वो प्रोग्रेस करती रहती है उसमें जो जो मजीद सिम्टम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अब उसमें एड अप करते जाते हैं डॉक्टर्स आफ्टर कंसल्टेशन। इसमें सिर्फ एक चीज स्पेसिफिक है, ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रायल्स सर्कुलेट कर रहे हैं और लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, इसको स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई और कोमॉर्बिडिटीज टेंशन है, डायबिटीज है, तो ये जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो आपको फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिए। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, और मैं समझती हूँ कि आपने इतनी हमें मुफीद मालूमात फ्राहम कर दी है, और खासकर आपकी रहनुमाई से मेरा ख्याल है ना सिर्फ हमारी स्टूडेंट्स फैकल्टी बल्कि जनरल पब्लिक भी जरूर मुस्तफीद होगी। और स्पेशली ये जो बात आपकी है कि हमारी सोसाइटी में ये एक आम देखा गया है कि एक रुझान है कि जैसे ही हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ मेडिकेशन पर जाते हैं, और उसके बाद फिर अब सोशल मीडिया की वजह से हर कोई जो है अब डॉक्टर बन गया है, नए से नई आपको जो है इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो बहुत अच्छी आपने एडवाइस की सबको कि इसके ऊपर ना जाएं और ये देखें कि प्रॉपरली जब इसकी वैक्सीन आ जाए तो वो ज़रूरी है, लेकिन मैं समझती हूँ इसके हवाले से कुछ एहतियात भी करने की ज़रूरत है। कैसे हम इससे बच सकते हैं, वो एहतियाती तदाबीर क्या की जा सकती हैं, इस हवाले से हमें ज़रूर रहनुमाई दें। जी, ये क्योंकि एक पैंडेमिक है इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप अपने आप को होम आइसोलेट कर लें, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स जिनसे आपका एक्सपोजर हो वो कम से कम हो,
ना आप लोगों से मिलें ना इस इन्फेक्शन को कैच कर सकें. लेकिन अगर आप होम आइसोलेशन नहीं कर सकते, आप वर्किंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो जब भी आप एक बाहर जाएं तो एक सेफ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें जो कि 3 to 6 feet का है. आप फ्रीक्वेंट हैंड शेकिंग, जो ये फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए सोप एंड वाटर से फॉर 20 minutes. इससे ये वायरस जो है वो आपके हाथ से उतर जाता है. इसके अलावा अगर आप घर में मौजूद हैं तो आपको इतना फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करने या हैंड सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इटसेल्फ ये केमिकल भी आपको नुकसानदेह होते हैं. लेकिन अगर आपने किसी बाहर से आई ग्रोसरी को टच किया है, कोई कॉमन डोर नॉब्स हैं उनको टच किया है, तो उसके बाद जरूर अपने हाथों को साफ करें. अगर आप किसी बाहर ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां आपने कॉमन कॉन्टेक्ट सर्फेसिस को टच किया है, आपने करेंसी हैंडलिंग की है, आपने पेपर हैंडलिंग की है, कोई कन्वेंस वगैरह में कॉमन कॉन्टेक्ट सर्फेस को टच किया है, तो उसके बाद या तो आप फौरी तौर पे अपने हाथ से धोएं. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए. एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसने मास्क नहीं पहना और आपने मास्क पहना है, तो 75% चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्शन कैरी करें. अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन ने मास्क पहना हुआ है और नहीं पहना, तो 5% चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्शन कैरी करें. और अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो सिर्फ 1.5% चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्शन कैरी करें, जो कि एक ग्रॉस डिफरेंस है. मास्क की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आम फैब्रिक मास्क हो, 3 ply मास्क हो. इसके अलावा आप हैंड शेकिंग अवॉइड करें, हगिंग अवॉइड करें, किसिंग खासतौर पर छोटे बच्चों और एक्सट्रीम एज ग्रुप के साथ जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट उसको कम से कम रखिए. और अपनी खुराक में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें. अगर आपकी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बॉडी स्टेटस है तो आप विटामिन डी विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लीजिए. इसमें आपको जरूर कहूंगी कि बीइंग मुस्लिम्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेथ है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी जमीन पर ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज भी साथ ना भेज दिया हो. चूंकि अभी इसका कोई इलाज बजाहिर हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल और सब्जियां वो इस्तेमाल करें और ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनके बारे में खासतौर पर कुरान में कमेंट कर दिया गया है कि वो शिफा से रिलेटेड हैं, जैसे कलवंजी शहद है, इंजीर है, जैतून है. ये इन सब चीजों का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है. सब मुफीद मशवरों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. डॉक्टर अफजा का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी मुफीद मालूमात हमारी सारी फैकल्टी और हमारे सारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए आपने फ्राहम की. और मैं समझती हूँ कि इसके बाद हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इस एक पेंडेमिक से किस तरह से निपटा जा सकता है. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब डॉक्टर अंजुम से आपको इजाज़त दीजिए और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.